हेलो वेलकम टू विद्या। फर्स्ट मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपने कई बार सुना होगा और कई बार आपने दिमाग में आपके शायद ये क्वेश्चन आया भी हो कि यार गवर्नमेंट जो है टैक्स का रेट कब बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को कब रेट कम करना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना कब चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कब करना चाहिए, गवर्नमेंट कब आरबीआई से ज़्यादा कर्ज लेना चाहिए, आरबीआई से कम कर्ज कब लेना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो पॉलिसी, ये सारी जो नीति है, ये सारी नीति को ही हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राइट। या हम कहें कि इसकी जो जितने भी मेन जो मेजर्स है, जो टूल्स है, उन टूल्स के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। और हम बातचीत करेंगे ये जो टूल्स हैं, ये 1, 2, 3, 4 ये जो चारों टूल्स हैं, ये चारों टूल्स बताते हैं हमें कि गवर्नमेंट ने कब एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, कब टैक्स बढ़ाना है, कब जो है पब्लिक बोरोइंग बढ़ाना है, कब बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से बढ़ाना है या घटाना है। तो उसकी दो ही कंडीशन है, मेनली दो कंडीशन है, और वो मेनली दो कंडीशन ये है कि मार्केट में या तो डिफ्लेशन का दौर होगा या इन्फ्लेशन का दौर होगा, या हो सकता है कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम लेवल पर चल रही हो इकोनॉमी। तो जब इक्विलिब्रियम लेवल पर चल रही है इकोनॉमी, व्यवस्थित वे में चल रही, तो कोई बात ही नहीं, जो चीज़ें चल रही नॉर्मली चलती रही। लेकिन मार्केट में कभी इन्फ्लेशन का दौर है, इन्फ्लेशन का दौर यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड से जितनी डिमांड होना चाहिए मार्केट में उससे ज़्यादा डिमांड है। तो ज़्यादा डिमांड है इट मीन्स ज़्यादा डिमांड है, मतलब ज़्यादा डिमांड रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन वाला दौर हो सकता है, या फिर जितनी डिमांड होना चाहिए उससे कम यानी कि डिफ्लेशन का दौर हो सकता है। तो दो टाइप के मार्केट में सिचुएशन हो सकती है, एक मार्केट में सिचुएशन हो सकती है डिफ्लेशन की, दूसरी हो सकती है इन्फ्लेशन की। जब डिफ्लेशन है इट मीन्स ये कि डिमांड कम है, तो कम है तो डिमांड को बढ़ाना है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन इट मीन्स डिमांड जरूरत से ज़्यादा है तो इसको कम करना है, राइट। तो हम पहले बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो मेजर्स है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस कब बढ़ाना चाहिए और कब कब करना चाहिए। देखिए यदि हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट होता है पीएफसी, दूसरा होता है जीएफसी, फिर नेट एक्सपोर्ट और जो है इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड का ही एक पार्ट हुआ। तो जब एग्रीगेट डिमांड का एक पार्ट बढ़ रहा है इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। अब देखो हमें एग्रीगेट डिमांड किस वाले सिचुएशन में बढ़ाना है, इस वजह सिचुएशन में बढ़ाना है, हमें एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पर बढ़ाना है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है यानी कि हमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसको भी हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हम जो बैलेंस सिचुएशन या इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है उस तरफ हम लोग जाएंगे, राइट। तो इस सिचुएशन में हमने करना क्या चाहिए, इस सिचुएशन में यदि मार्केट में ऑलरेडी मंदी चल रही है तो गवर्नमेंट ने खर्च करना चाहिए। अब जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो वही किसी की कमाई बन जाएगी, वही कमाई वापस वो खर्च करेगा, तो मार्केट में जो है डिमांड क्रिएट होगी, राइट। और इस सिचुएशन में मार्केट में डिमांड क्रिएट करना ही जरूरी है, राइट। तो जब भी मार्केट में मंदी होगी, जब भी मार्केट में डिफ्लेशन होगा, गवर्नमेंट को अपने खर्च बढ़ाना चाहिए, राइट। और जब इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी जरूरत से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है, तो उस समय पर गवर्नमेंट को जो अपने एग्रीगेट डिमांड कम करना है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी क्या करना चाहिए, कम कर लेना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सेस की, यदि बात करें भाई टैक्स यदि बढ़ाएंगे, टैक्स ज़्यादा बढ़ गए तो लोगों के पास जो डिस्पोज करने लायक इनकम है वो कम बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, और टैक्स यदि घटाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी। अब ज़्यादा इनकम बचेगी तो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, हमें ज़्यादा खर्च कब करवाना है, जब डिफ्लेशन का दौर है। तो जब डिफ्लेशन का दौर है तब तो टैक्स की जो रेट्स है वो रेट क्या कर देना चाहिए, वो रेट जो है कम कर देना चाहिए। कम रेट कर देंगे तो क्या होगा, पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी, राइट ना भाई। किसी के पास 100 रुपये आ रहे हैं कमाई के, उसमें से मान लो कि 10% टैक्स रेट है तो 90 रुपये बच जाएंगे खर्च करने के लिए। मान लो 20% टैक्स है तब उसके पास 80 रुपये बचेंगे। हमें फिलहाल कौन सिचुएशन चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि व्यक्ति ज़्यादा ज़्यादा खर्च करे, ज़्यादा ज़्यादा खर्च कब कर पाएगा, जब टैक्स की रेट कम हो। तो टैक्स की रेट में क्या करना चाहिए, टैक्स की रेट कम करना चाहिए जब डिफ्लेशन का दौर हो, ताकि लोगों के पास पैसे बचे और वो ज़्यादा खर्च कर पाए। और इस केस में ऐसा क्या करना चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट कर देना चाहिए,
टैक्स रेट को बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों के पास कम पैसा बचे, कम खर्च कर पाए। कम खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड कम होगी, मार्केट में डिमांड कम होगी तो मार्केट में डिमांड कम होगी तो जो प्राइसेस है वो कम होगी, प्राइसेस कम होगी तो इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, तो इस दौर में, इस जब सिचुएशन में रेट को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोविंग। अब पब्लिक बोरोविंग इट मीन्स ये कि जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है पब्लिक से, इसको आप पब्लिक डेब्ट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोरो कर रही है पब्लिक से। अब ये कोई सिक्योरिटीज के थ्रू बोरो कर सकते हैं, अब इसके ऊपर जो है ब्याज भी देते हैं। तो यदि पब्लिक से ज़्यादा बोरोविंग करेंगे तो पब्लिक के पास पैसा कम बचेगा, पब्लिक के पास पैसा कम बचेगा तो खर्च कम कर पाएगी। हमें खर्च कम कब करवाना है या कब करवाना चाहिए, जब इन्फ्लेशन का दौर हो, और खर्च ज़्यादा कब कराना चाहिए, जब डिफ्लेशन का दौर हो। तो अभी डिफ्लेशन की यदि हम बात करें तो पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा कब होगा, जब उनके पास, जब जो है गवर्नमेंट उनसे बोरोविंग ना करें, कम से कम करें। तो पब्लिक बोरोविंग यदि कम से कम करेंगे तो पब्लिक के पास पैसा बचेगा, ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। और इस कंडीशन में जस्ट इसका अपोजिट, पब्लिक से यदि गवर्नमेंट बोरो कर ले सिक्योरिटीज के थ्रू तो पब्लिक के हाथ में बचेगी सिक्योरिटी और जो पैसे है वो आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो इस केस में आप सिंपली इसको मनी सप्लाई से कनेक्ट कर लें कि इस केस में इन्फ्लेशन के केस में जो है ये बढ़ाना चाहिए और जो है डिफ्लेशन के केस में घटाना चाहिए। नेक्स्ट है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पैसे उधार लेना। देखिए अब ये जो टॉपिक है आप लोग जब आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जो फिस्कल डिफिसिट है। अब जो घाटा आता है बजट में वो घाटे को कवर करने के लिए आरबीआई से जो है गवर्नमेंट लोन लेती है। अब गवर्नमेंट उससे लोन, आरबीआई से जो लोन ले रही है, आरबीआई से जो पैसे उधार ले रही है, बोरोविंग कर रही है, वो बोरोविंग किस लिए कर रही है, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाए ऐसी सिचुएशन कब होती है, ज़्यादा खर्च कब करना है हमें, ज़्यादा खर्च करना है जब डिफ्लेशन का दौर हो। तो ज़्यादा खर्च करना है इट मीन ज़्यादा बोरोविंग करना चाहिए, ज़्यादा बोरोविंग करना चाहिए, तो यानी कि बोरोविंग को बढ़ा देना चाहिए डिफ्लेशन के दौर में। आरबीआई से और नए नोट प्रिंट करवाए और उधार ले लें, ज़्यादा उधार ले लेंगे तो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, और ज़्यादा खर्च करना भी चाहिए जब डिफ्लेशन का दौर है, और जब इन्फ्लेशन का दौर है तो तब हमें कम खर्च करना है। यदि कम खर्च करना है तो मीन्स लोन भी कम लेने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने लोन इस समय कम लेना चाहिए। ठीक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से ज़्यादा कर्जा कब लेना चाहिए और आरबीआई से कम कर्ज कब लेना चाहिए। ज़्यादा कर्ज लेना चाहिए जब डिफ्लेशन का दौर है, कम कर्ज लेना चाहिए जब इन्फ्लेशन का दौर हो। अब आपको ये चारों पॉइंट तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जब भी डिफ्लेशन के दौर है तब ऐसा कुछ करें कि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा बचे, और इन्फ्लेशन का दौर है तब ऐसा कुछ करें जिससे कि पब्लिक के पास पैसा कम बचे। राइट, अब ये बात तो गई, लेकिन अब इसको हम आगे भी कनेक्ट करें, जैसे आगे के जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट है, तो गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट ने बोले कि आपने कई बार सुना हो घाटे का बजट बनाती है गवर्नमेंट। अब घाटे का बजट बना रही है तो घाटे का बजट बना रही है इट मीन्स वॉट, वो घाटा की, घाटे का जो पैसा है वो कहाँ से कवर करेगी, वो आरबीआई के थ्रू लोन लेके कवर करेगी। आरबीआई के थ्रू लोन कब लेना चाहिए, जब जब जो है डिफ्लेशन का दौर चल रहा। तो घाटे का बजट कब ठीक अच्छा हो सकता है, जब डिफ्लेशन का दौर हो तब घाटे का बजट बनाया तो ठीक है, जब इन्फ्लेशन का दौर हो उस समय घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिए। राइट, तो यहीं से एक और क्वेश्चन आपको क्लियर होता है कि घाटे का बजट कब बनाना उचित है और कब बनाना उचित नहीं है। खैर, ये ऐसे पॉइंट है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी टाइप की कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुई या आप बात करें कि आप किसी इकोनॉमी की जब भी बात आएगी तब ये जो जितने भी टॉपिक में बात कर रहा हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर, आई होप कि आपको ये चीज़ कुछ समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो अच्छी बात है। ये जो चैनल है विद्या फर्स्ट, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और ज़रूरी बात ये कि ये जो चैनल है, अब इस पर जैसे आपको पता है कि काफ़ी बाकी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो इस चैनल को हमने प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर किया है। मेरी प्लेलिस्ट का नाम है इकोनॉमिक्स विद एसके।
इसी टाइप से बाकी जो टीचर्स हैं उन सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको व्यवस्थित तरीके से स्ट्रक्चर वे में वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय।